इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस घंटी वाले आइकन को दबा के दोस्तों, आपके सीटेट के जो एडमिट कार्ड है वो लास्ट नाइट वेबसाइट पे अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप किस प्रकार से अपने एडमिट कार्ड को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, यही चीज़ हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे गूगल में आना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है सीटेट एडमिट कार्ड 2019। ओके, तो उसके बाद आप सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे एडमिट कार्ड, ये जो है सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है। एडमिट कार्ड पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पे दो सर्वर आ रहे हैं। आपको फर्स्ट वाले पे यहाँ पे क्लिक कर देना है एंड जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और आप यहाँ पे देख सकते हो एडमिट कार्ड आपको जो है यहाँ पे अपने एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ के ज़रिए डाउनलोड करना है। तो सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस शो करने वाला है। तो आपको यहाँ पे जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपका जुलाई में एग्ज़ाम होना है, जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आपका जो एग्ज़ाम है यहाँ पे 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होगा। तो जो आपके एडमिट कार्ड है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे जो है अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है और फिर आपको ये कैप्चा आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये आपको यहाँ पे फिल करना है और उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड है यहाँ से सिंपली डाउनलोड हो जाएगा। मैं आपको एक एडमिट कार्ड डाउनलोड करके बता देता हूँ। ओके, तो दोस्तों मैंने सब कुछ फिल कर दिया है और मैं अब जो है इस पर साइन इन कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप इस पर साइन इन करोगे तो दोस्तों जो आपका एडमिट कार्ड है आपको यहाँ पे मतलब सिंपली डाउनलोड कर लेना है। ये देखिए, डाउनलोड एडमिट कार्ड। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो पीडीएफ में आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों, हम इसको जो है सिंपली क्लिक कर देते हैं यहाँ से, और मैंने इसे क्लिक कर दिया है और जो मेरा एडमिट कार्ड है यहाँ से डाउनलोड हो रहा है। ऑलरेडी मैंने इसे डाउनलोड कर लिया है तो फिलहाल इसे डाउनलोड नहीं करूँगा। तो इस तरह से दोस्तों आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो और कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।